सेट योर गोल्स, आपकी जिंदगी की लॉन्ग टर्म गोल सेट करें कि आप आने वाले एक साल के बाद कौन से लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, आने वाले दो साल के बाद, पांच साल के बाद, दस साल के बाद, आपकी जिंदगी के 25 साल के बाद जब आप जिंदगी का रिटायरमेंट लोगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, इसका आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा लाइफ प्लान होना चाहिए। इसको मैं कहता हूं लाइफ प्लान। अगर ये जिंदगी का स्क्रिप्ट अगर आप बेहतर तरीके से बनाओगे तो जाके क्या हो सकता है, आपकी जिंदगी का मूवी एक बहुत ही बेहतर हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस दुनिया के अंदर जो मूवी बनाने वाले हैं वो मूवी के डायरेक्टर कौन है, आप खुद है। उसके प्रोड्यूसर कौन है, आप खुद है। उसके राइटर कौन है, आप खुद है। उसके हीरो कौन है, आप खुद है। उसके विलन कौन है, आप खुद है। हर एक चीज आप ही क्रिएट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज जब इस टाइप के प्रोग्राम्स को हम अटेंड करते हैं और हमारे अंदर एक जोश भर जाता है कि बस कल से अब देख क्या करता हूं मैं, कैसे डायमंड बनता हूं, किसका बेहतर चेक लाता हो। मगर होता क्या है, साथ को डिसाइड होता है कि सुबह जल्दी उठेंगे और प्लान देना शुरू करेंगे, टीम की मीटिंग लेंगे, सब कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब रात को डिसाइड होता है। और जैसे सुबह अलार्म बजता है तब अंदर का हीरो जाग जाता है कि यार चल उठ, डायमंड बनना है। मगर अंदर का विलन क्या बोलता है, सो जा, आराम कर, यस और नो। और माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने विलन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसी के लिए हम वो डायमंड या वो हीरो अपनी जिंदगी का नहीं बनते, क्योंकि हम हीरो को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हम हीरो बन सकते हैं, मगर हम ज्यादातर समय पर हम अपने विलन को ही इंपॉर्टेंस देते। एग्जाम्पल, अभी जैसे अपने अप्लायंस ने कहा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अटेंड कर। वो अंदर का हीरो थोड़ा सा जागा कुछ समय के लिए कि यार चाहते अटेंड करते हैं और डायमंड लेवल तक पहुंचते हैं, मगर कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो अंदर का विलन जाग जा गया, बोला कि ठीक है नेक्स्ट टाइम, बाद में करते, आज क्या इतनी जल्दी है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, ये आपके लिए ये समय जो अभी आपको मिला हुआ है, ये समय आपकी जिंदगी के अंदर वापस कभी मिलने वाला नहीं है। जो बीत गया आप वापस उसे खरीद नहीं सकते हैं, आप कितने पैसे देंगे तो आप उस समय को कभी खरीद नहीं सकते हैं। तो ये जो पल आपको जिंदगी में मिला हुआ है, उस पल का आपको यूटिलाइज करना, उसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। और इसी के लिए आपकी जिंदगी के गोल सेटिंग करना या आपकी जिंदगी के लॉन्ग टर्म गोल सेट करना जरूरी है। आज जितने भी सफल लोगों का स्टडी करोगे, उनके जिंदगी के अंदर उनके सभी के पास क्या है, उनके लिखे हुए गोल्स है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते, किस लेवल तक पहुंचना चाहते, कभी कभी क्या क्या करना चाहते, वो हर एक चीज उनके पास लिखी हुई है। अगर मैं मेरी बात करूं, 2008 या 9 के अंदर मैंने इस टाइप के प्रोग्राम्स अटेंड किए थे जब पर्सनल डेवलपमेंट्स के, एंड उस समय मुझे कहा गया था कि तुम्हें जिंदगी के अंदर तुम्हारे गोल्स लिखने, तुम्हारे लाइफ में क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, एक लिस्ट बनाना, विश लिस्ट उसको कहा जाता है। एंड मैं घर पे आया और लिखना शुरू किया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फॉरेन टूर चाहिए, ये वो सब कुछ लिखा। 10-12 होने के बाद दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोला अभी लिखूं क्या, सब तो लिखा है, पैसा लिखा है, घर लिखा है, गाड़ी लिखा है, फॉरेन टूर लिखा हुआ है, सेविंग लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, अब इसके आगे लिखूं क्या। फिर मेरे टीचर को फोन किया कि सर यहां तक रुक चुका हूं मैं, अब कैसे, आपने कहा था कि मिनिमम 30 होने चाहिए, तो कैसे हो सकते हैं। और उन्होंने जब मुझे बताया कि नहीं, तुम्हारे जिंदगी के जो गोल है वो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पर नहीं होने चाहिए, हर एक एरिया में होने चाहिए, यानी फिजिकल भी होने चाहिए, मेंटल भी होने चाहिए, सोशल भी होने चाहिए और स्पिरिचुअल भी होने चाहिए। और जब चार टाइप के गोल तुम डिसाइड करोगे तब जाके तुम जिंदगी के अंदर वो सफलता को हासिल कर सकते। सिर्फ पैसों में अमीर बनना मतलब अमीर नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत अमीर लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ रुपए हैं मगर उनके लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं, अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं है। या मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारा पैसा है मगर अपने परिवार को समय देने के लिए उनके पास है ही नहीं, तो ऐसे पैसों का करेंगे क्या, या किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है। हमें हर एक एरिया के अंदर अमीर बनना है। फिर मैंने लिखना शुरू किया, एंड यू डोंट बिलीव, मैंने 108 इच्छाओं का लिस्ट बनाया, 108, एंड माय डियर फ्रेंड्स अभी तक उसमें से मैंने 47 इच्छाएं कंप्लीट भी कर दिया। अगर वो लिखा नहीं होता तो शायद अभी तक ये पूरे भी नहीं होते। और इसी के लिए माय डियर फ्रेंड्स, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिखेंगे अपने गोल तभी जाके आपके माइंड को पता चलेगा बार बार कि यार ये तुम्हारा गोल है, ये तुम्हें डायमंड बनना है, इस
डेट तक तुम्हें डायमंड बनना है और उसके लिए तुम्हें ये एक्शंस लेने हैं, ये सब करना पड़ेगा। और जब आपका माइंड बार बार उसी की तरफ देखेगा तो आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। मगर जब आपके सामने गोल ही नहीं है तो फिर आपके एक्शंस होने वाले नहीं है। इसी के लिए आपके मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए। आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपके गोल्स होने चाहिए, आपके लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आपके गोल्स होने चाहिए। आपके हर घर में, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस में, हर जगह पर क्या होना चाहिए, आपके गोल्स लगे हुए होने जरूरी, जिससे आपको हमेशा याद दिलाएगा कि भाई ये मेरे जिंदगी का मकसद है, ये मेरे जिंदगी का मुकाम है, ये मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां तक जाना है, राइट? और जब ये डिसाइड करोगे तभी जाके वो हो सकता है, पॉसिबल है।